18 का क्वेश्चन है. अब देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर्स करंट सो दैट ऑक्सीजन रिलीज कैन कंप्लीटली बर्न 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन. तो लेट अस स्टार्ट विद डाइबोरेन. यू नो डाइबोरेन इज B2H6. बर्न इट वी गेट B2O3 प्लस H2. CO2. इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाइबोरेन 1 मोल है, ठीक है, तो हमारे ऑक्सीजन जो बनेगी, ऑक्सीजन जो यूज होगी दैट इज 3 मोल. तो पहले 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया जाए. इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 2 × 10.8 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B2H6. 2 × 10.8 प्लस 6 × 1. नाउ ये सिक्स होगा कि 27.6. तो लेट अस टेक इट एज 27.66. क्लोज लेते हैं, है ना. तो 27.6 ग्राम ये, उसके लिए 3 मोल थी. इसका मतलब कि हमें जो वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना है उसमें कितने मोल प्रोड्यूस होने चाहिए? 3 मोल प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है. तो 3 मोल का क्योंकि फेरेडे फर्स्ट लॉ लगा देते हैं तो वेट चाहिए. 3 मोल O2 का वेट कितना होगा? 96 ग्राम. तो यू नो अकॉर्डिंग टू फेरेडे फर्स्ट लॉ वेट डिपॉजिटेड इज 8. ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8. तो हम क्या करते हैं, हमें तो टाइम चाहिए ना, तो टाइम निकालना है. तो पहले पुट कर दो वैल्यूज. वेट अरे हो गया 96, हो गया इक्विवेलेंट वेट 8/96500. करंट है 100 और टाइम निकाल. तो यहां से ये आ गया 20 कैंसिल और टाइम आ गया अपने पास 96 × 965/8. इसका 12 हो जाता है. बट हमें जो है ना आप जो आंसर निकालना है टाइम, ये तो टाइम आया सेकंड्स पे, हमें टाइम किस में चाहिए? आवर्स में. तो 12 × 965 ये इससे डिवाइड करना है, ठीक है ना. तो36 × 100 = 3 9 2 6 20 हो गया. दैट मीन्स 3.2167 आउट्स. 3.2 C ऑप्शन. कैसे किया समझ में आया?